शायद एंकर कोच्चि इंजीनियरिंग कॉलेज में आईईई साके और लॉयंस क्लब के सहयोग से ड्रग अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ड्रग अवेयरनेस कार्यक्रम में श्री निखिल पंडित स्पीकर रहे, जिन्होंने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण किस्से सबसे साझा किए, जिसमें ड्रग की वजह से उन्होंने किन किन चीजों को फेस किया और उनसे वे किस तरह बाहर आए, ये सब बताया। तो आपको मैं इस चीज के लिए भी अवेयर कर रहा हूँ कि अपने आप को चेक करो आप लोग। मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं, इसको होगा, ये निखिल सर बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनको प्रॉब्लम होगा, हमारा क्या, हम तो सही है भाई, तो कोई सही नहीं, कुछ नहीं, कभी भी कुछ भी आपके साथ में हो सकता है, इसके लिए हम आपको अवेयर करने के लिए यहाँ पे आए। लर्न टू से नो, अच्छी चीजों को ना बोलना है, गलत चीजों को ना बोलना है, गलत संगत को ना बोलना है। इस प्रोग्राम ने मेरे को सिखाया कि जो पीने वाले लोग हैं, people, places, things, इन लोगों से तो दूर रहना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में लॉयंस क्लब से मिसेस सरोज शर्मा और मिस्टर एम पिल्लई और उनकी टीम के साथ कॉलेज के ट्रस्टी बोर्ड से श्री केशव जी भाई चरवा चेयरमैन, श्री नवीन भाई शाह मैनेजिंग ट्रस्टी, डॉक्टर भावेश पटेल प्रिंसिपल और डॉक्टर विनीत कोटक वाइस प्रिंसिपल भी उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब की मिसेस सरोज शर्मा और उनकी टीम ने इस ड्रग अवेयरनेस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। So today's program organized by Lions Club of Science City was a fabulous program regarding awareness and saying no to drugs. The message that we want to pass on to the students, this generation, basically that they must say no to drugs, they should encourage the people to avoid making such practices and a move towards building a great nation so that we have a youth as a power and power to be demonstrated in innovation and constructive way. And today's event is one step ahead, moving towards the aims and objective of the institution to build a great nation, and which will demonstrate new technologies towards this, and we'll able to achieve the mission of Government of India too, that all the youth must come out if anybody is within the drugs. So we'll try to ensure that we shall help those who are within this racket, and if possible we must take them to the centers nearby and help them whatever the way we can do it. And to this generation we must ensure that they should not step into this racket at all. Thank you. आज लायंस क्लब की तरफ से जो हम प्रोग्राम ले रहे हैं वो नशा मुक्त प्रोग्राम है जो लायंस इंटरनेशनल की तरफ से हम ले रहे हैं, और हमारा ये मकसद रहेगा कि हर स्कूल, हर कॉलेज में हम ये जाके बच्चों को गाइड करें कि उनकी विल पावर ही इतनी स्ट्रांग हो कि वो कह सके से नो टू ड्रग। अगर कोई बोलते उनके आके कैसे भी टेम्पटेशन हो जिंदगी में तो वो खुद बोल सके कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा एक एक बच्चा, हमारा सिटीज़न इतना स्ट्रांग हो कि ये जो ड्रग माफिया है वो अपनी हार माने, वो चाहे कि हम इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं सप्लाई करेंगे। अगर बच्चे को स्ट्रेस भी है तो अपने स्ट्रेस से ऊपर आना जाने, ना कि ड्रग में डूबकर अपना लाइफ ख़त्म करें, अपना हेल्थ ख़त्म करें, अपना भविष्य ख़त्म करें, पेरेंट्स की इज्जत का कचरा करें। ऐसे बच्चों को हम लोग ब्लेसिंग देंगे कि ये बच्चे ऐसे प्रोग्राम देख के, आज आपको लग रहा था कि ये जो हमारे स्पीकर के साथ एक जो उनके फ्रेंड्स आए हैं वो एक सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, ये हम लोग में अभी ये भी सुनने की क्षमता नहीं है कि हम लोग एक स्टाइल समझते हैं कि हर आदमी जो स्टाइल में बोले। मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को एक अच्छा अपने विचार बताए कि वो कैसे उस चीज़ों में डूबे और कैसे उससे उभरे। ये सबसे बड़ी विल पावर स्ट्रांग उनकी जो ये संस्था ने लविंग हैंड फाउंडेशन ने उनको ऊपर उठाया है, हमें सैल्यूट करना चाहिए उनको, ना कि हमें वो कैसे कोई बता रहा है ऐसे देखना चाहिए। तो
हम लोग बहुत आपके कॉलेज को सैल्यूट करते हैं कि आपके बच्चों ने, शाह एंड एंकर के बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना और बड़ी रिस्पेक्ट दी। ये इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस समाज का, इस अपने घरों का भविष्य हो। अगर आपकी, आप स्ट्रांग हो गए तो हमें कोई ऐसा पेशेंट मिल जाता है तो हमारी एक मॉरल ड्यूटी रहती है कि हमें उनको वहाँ से बाहर निकालना है, ना कि नफरत से उनको देखना या दुत्कारना है। ये हमारा सेकंड सेमिनार है। तो हम लोग CN न्यूज़ का बहुत ही आभारी हैं जो हमारे एक साथी बन के ये सब कवर कर रहे हैं, ताकि मीडिया ही एक ऐसा सोर्स है जो हमारी भावनाएँ हैं जो लाखों तक पहुंच सकती हैं। हम एक ग्रुप, एक छोटी सी संस्था से नहीं जुड़ सकते। लायंस क्लब इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके साथ हमारी क्लब जुड़ी है। हम एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मैंने मोटिवेट किया अपनी क्लब्स को, फिर कॉलेज के साथ हम जुड़े हैं। कॉलेज ने हमें मौका दिया कि इन बच्चों के साथ मिलना, ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम इस युग में हैं और सब कुछ कर सकते हैं। सो सबसे पहली बात, वी वुड लाइक टू थैंक CN News for the media coverage that you have provided today. So basically speaking about the event, it was a event in association with the Lions Club under the banner of IEEE SAKEC, which is a student chapter in Shah and Ankar Kutchhi Engineering College. So we were keen to do this event because no other engineering college has made such an effort to make an event on drug awareness and a tree plantation program. So basically the main objective of having this program was, in today's generation there is a lot of rounds going about the drug addictions and youth getting spoiled due to the intake of drugs in huge numbers. So this was a brilliant opportunity which we could provide to our students and members, and we really thank Pillai sir from Lions Club and our speaker Nikhil Pandit and his association to make an objective to improve the society. For us, I think ये program बहुत needed था, क्योंकि हमारे college में ये पहले कभी हुआ नहीं है, and being an engineering student हमें बहुत लोग पता है जो ये सब करते हैं and they think it's normal but it's not. So लोगों को बताना कि ये चीज़ें ठीक नहीं है और ये बुरी है, ये काफ़ी ज़रूरी था। एंड आई वुड लाइक टू थैंक CN News फॉर बीइंग द मीडिया कवरेज पार्टनर फॉर दिस इवेंट।